इनके फोकस थी क्या? यू आर रेडी? चलो आप लोग बता दीजिए। हमारे साथ में अरुणाचल को होम मिनिस्टर बामांग फेलिक्स जी हैं और हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर वेटरनरी मंत्री ताके ताके जी हैं, पार्टी के सीनियर ऑफिस बेयरर्स सब यहाँ हैं। मैं आपसे इसलिए मिल रहा हूँ कि कल हम नॉमिनेशन फाइल करने के लिए वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट आलो में आरओ ऑफिस जाने के लिए तैयार हूँ। और नॉमिनेशन फाइल करने से पहले कुछ बातें आपके माध्यम से हमारे प्रदेश के लोगों को बताना चाहता हूँ। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मैं जब अपोजिशन में था, मेरे साथ में जब कोई सरकार के एमएलए मिनिस्टर कोई बड़ा बिजनेसमैन कॉन्ट्रैक्टर ऐसा जब नहीं था, तब आम आदमी युवाओं ने गांव के लोगों ने और अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले सब ने ब्लेसिंग करके मुझे पार्लियामेंट में काम करने का मौका दिया। फिर 2014 में पहली बार मंत्री बनने का मौका मिला और मोदी जी के साथ में काम कर रहा हूँ अभी तक। आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा एक जिम्मेदारी है। हमारे नॉर्थ ईस्ट में दो कैबिनेट मंत्री हैं, एक मैं हूँ, एक असम के भूतपूर्व मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल। देश का कैबिनेट मंत्री होने के नाते मेरा विशेष जिम्मेदारी है। मैं इस जिम्मेदारी को समझते हुए अपने प्रदेश को लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि 19 अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं, उसमें अच्छी तरह से अपने अपने पार्टी का मुद्दा लेकर के लोगों के बीच में जाना चाहिए। डेमोक्रेसी का जो नियम है, रूल्स रेगुलेशंस जो भी बने हैं, उसके मुताबिक हमको चुनाव में जाना है। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारा प्रदेश बदनाम हो, जिसमें नियम नीति को चोट पहुंचे, ऐसा हमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में हर एक लोगों को अपने अपने बात बोलने का अधिकार है और फैसला जनता देता है। इस समय कभी कभी सोशल मीडिया के इस दौर में कभी कभी अपना बात बोलते बोलते दूसरा को चोट पहुंचाने के लिए, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले बात कभी कभी हो जाता है गलती। जितना कैंडिडेट्स है, मेरा अपील है कि हम अपने बात रखते हुए ये चीज़ हम ध्यान में रखें कि दूसरा को नुकसान पहुंचाने वाले बात ना करें, हम झूठ का सहारा ना लें और किसी को गाला गाली दे करके ऐसा बात ना करें जिससे टेंशन पैदा हो और समाज में सौहार्द जो बना है उसको बिगाड़ने वाला काम ना करें। ये सबका जिम्मेदारी है। मेरे ओर से मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के जितने कैंडिडेट्स हैं, मैं सबको अपील किया हूं पहले भी, उस दिन कैंडिडेट लोगों से बात करते हुए हमने अपील किया है, अभी फिर मैं कह रहा हूं, बीजेपी का जितना कैंडिडेट्स और बीजेपी का जितना कार्यकर्ता है, हमारे ओर से हम गलत काम नहीं करना है, एक भी वायलेंस का घटना नहीं होना चाहिए हमारे ओर से, और इलेक्शन रूल्स ब्रेक नहीं करना है, नियम से चलना चाहिए, तब जा कर के चुनाव अच्छा होता है। जब हम चुनाव में जाते हैं तो अपना अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो लेके जाते हैं। हमारे पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो आने वाले हैं, स्टेट का भी और सेंट्रल का भी। तो मैनिफेस्टो में जो बात आने वाले हैं वो तो मैनिफेस्टो में ही आपको पढ़ने को मिलेंगे। मैं विशेष दो चार बातें आज कहना चाहता हूँ। मैंने आज से 15 साल पहले एक नारा दिया था कि अरुणाचल को भारत देश का सबसे नंबर वन राज्य बनाना है। बहुत लोगों को याद होगा, मेरा एक पोस्टर निकला था उस समय, माई ड्रीम टू मेक अरुणाचल ए नंबर वन स्टेट। नंबर वन स्टेट बनने का
कई तरीका है। हमारा साइज छोटा है, हम उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वहाँ एक एक डिस्ट्रिक्ट में 40 लाख 50 लाख 80 लैक्स 90 लैक्स भी होता है एक एक डिस्ट्रिक्ट में। तो उनका पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उनका इकोनॉमिक साइज तो बड़ा होता है। हमारा छोटा प्रदेश है मगर पर कैपिटा इनकम में हर एक आदमी का जो इंडिविजुअल इनकम एवरेज में देश में नंबर वन बनाने का जो हमारा सपना है वो मैं आज फिर दोहराना चाहता हूँ। आज हमारा प्रदेश जो सबसे लास्ट में था अब हम लोग 10-11 पोजीशन में पहुँच चुके हैं कुछ पैरामीटर्स में। अगले 5 साल जनता का आशीर्वाद से मोदी जी का निर्देश, मोदी जी का विजन और मोदी जी का जो प्लानिंग है उसके मुताबिक और हमारा प्रदेश में पेमा खांडू जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो डबल इंजन का तालमेल में मैं साफ साफ दिखाई दे रहा हूँ कि अगले 5 साल में हम टॉप 5-6 में पहुँचने का संभावना है और 10 साल के अंदर में हम टॉप 3 में पहुँचेंगे। हमारे यहाँ जितना प्रोजेक्ट्स चल रहा है, बड़े बड़े परियोजनाएं जो चल रहे हैं वो सब कमीशन होने के बाद हम टॉप 3 में पहुंचेंगे, ऐसा मेरा आज विश्वास है। हमारा प्रदेश में आज के दिन एवरेज में भारत सरकार का सबसे ज़्यादा पैसा अरुणाचल प्रदेश को मिलता है पर कैपिटा। 14 फाइनेंस कमीशन के बाद जो सिस्टम चेंज हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में, फाइनेंस कमीशन का जो एक्सेप्ट किया हमारा कैबिनेट ने, उसके मुताबिक पर कैपिटा सेंट्रल डेवोल्यूशन फंड्स जो देते हैं स्टेट्स को उसमें हाईएस्ट अरुणाचल प्रदेश को मिलता है। आज पर मंथ अरुणाचल प्रदेश को लगभग कभी 21,000 कभी 22,000 तक का मिलता है। 2011-12 में अरुणाचल प्रदेश का टोटल डेफिसिट लगभग 10,000 करोड़ हो गया था, यानी कि अरुणाचल के लोग, हम लोग जो घूमते हैं ना, हम लोग कर्जा में थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कर्जा देने के लिए मना कर दिया था और जो एम्प्लॉयज़ हैं उन लोग का सैलरी मिलने का भी मुश्किल हो गया था। लेकिन 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद एक झटके में पॉलिसी चेंज करके अरुणाचल को इतना सपोर्ट मिला कि आज अरुणाचल प्रदेश का कोई भी डिपार्टमेंट का रेगुलर एम्प्लॉयज़ अपना सैलरी के लिए इंतज़ार करने जरूर नहीं है। ऑफिस का गाड़ी खर्चा के लिए, पोल एक्सपेंसेस के लिए, पेपर, कुर्सी, टेबल, बिजली, पानी, कोई क्राइसिस नहीं है। यहाँ तक कि जो पैसा बचता है उससे हमारा वेलफेयर स्कीम्स है, एजुकेशन, हेल्थ, बाकी स्कीम का सारा सपोर्ट अभी स्टेट गवर्नमेंट पेमा खांडू सरकार देता है। उसके अलावा कई सारा जो काम चल रहा है मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं जो मोटा मोटा ये कहना चाहता हूँ कि आज इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टि से इंडिया में हाईएस्ट एलोकेशन अरुणाचल प्रदेश को मिला है। भारत का सबसे डिफिकल्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आज तक के इतिहास में, सबसे बड़ा और सबसे तकलीफ सिंगल रोड प्रोजेक्ट वो अरुणाचल में अभी अप्रूव हो गया है, फ्रंटियर हाईवे। ये हमारा सपना था, ये सपना जब मैं अपोजिशन MP था 2004 में तब देखा था कि अरुणाचल में चाइना बॉर्डर के साथ में ऐसा एक तो हाईवे बनाना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी और कुछ लोग ने मजाक उड़ाया था कि पहाड़ जंगल में कैसे हाईवे बनाएगा, ईटानगर में हाईवे नहीं था। लेकिन आज ईटानगर छोड़िए, जितना हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में डबल लेन रास्ता पहुँच करके अब हम चाइना बॉर्डर तक में हाईवे का स्कीम ले जा रहे हैं। इसी प्रकार से गांव-गांव तक रास्ता पहुंचाने के लिए और छोटा छोटा गांव में भी बॉर्डर एरिया में वाइब्रेंट विलेज के मुताबिक हाईएस्ट फंड एलोकेशन फिर अरुणाचल प्रदेश को मिला है। आज चाइना बार बार ऑब्जेक्शन करता है कि नरेंद्र मोदी जी का सरकार बॉर्डर एरिया में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बना रहा है, ये चाइना कंप्लेन कर रहा है। आप सबको मालूम है अभी चाइना और इंडिया के बीच का जो आज जो बातचीत चल रहा है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा एक ये है कि चाइना ने ऑब्जेक्शन रेज किया कि अरुणाचल का बॉर्डर एरिया में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बना रहा है। एक ज़माने में कांग्रेस पार्टी ने बॉर्डर एरिया के लिए कुछ भी नहीं देता था, हमारा बॉर्डर एरिया को कांग्रेस पार्टी ने छोड़ दिया था। कांग्रेस पार्टी का डिफेंस मिनिस्टर ने
पार्लियामेंट में एडमिट किया कि ये कांग्रेस का नीति पॉलिसी था कि बॉर्डर एरिया को डेवलप नहीं करना है, बॉर्डर एरिया में रास्ता बनेगा तो चाइना उस रास्ता से आएगा, ऐसा कांग्रेस का पॉलिसी था, उसको मोदी जी ने ख़त्म करके बॉर्डर एरिया में टनल बना रहा है, रोड बना रहा है, ब्रिजेस बना रहे हैं। रिकॉर्ड जो लास्ट 60 ईयर्स में कांग्रेस ने जो किया है उसका 100 टाइम्स मोदी जी ने 10 साल के अंदर में किया है, और बहुत चीज़ अभी पाइपलाइन में है। उसके बाद में आज हमारे अरुणाचल के युवाओं के लिए, आम जो हमारे आदमी के लिए, खास करके जो यूथ है, एजुकेटेड यूथ, अनएम्प्लॉयड को इंटीग्रेट करने के लिए हमारा ठोस प्लान जारी है। अभी तक हम लोग बेसिक सुविधा, बिजली, सड़क, पानी का बारे में बात कर रहा था, क्योंकि पहले वो नहीं बना, इसलिए आज बिजली, पानी, सड़क आज हम लोग बना रहे हैं, रोटी, कपड़ा, मकान का काम हम लोग आज कर रहे हैं, लेकिन वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। हमारा नेक्स्ट टर्म 2024 शुरू होते ही पहला हमारा टारगेट होगा युवाओं का एम्प्लॉयमेंट के लिए, इनकम जनरेशन के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, और रूरल एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए यूनिट बनाना, ये हमारा प्राथमिकता रहेगा। अभी 3 दिन पहले मेरे पास नए मंत्रालय मिला, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का मिनिस्ट्री मुझे सौंपा है। मैं यहाँ आने से पहले अपने अधिकारियों को निर्देश दे के आया कि ये इलेक्शन हम लोग कैंपेन में जा रहे हैं, नॉर्मल काम काज चलते रहेंगे, लेकिन ये 2 महीने के अंदर जब हम लोग इलेक्शन में बिजी हैं, 2 महीने में ब्लूप्रिंट तैयार रखो। अरुणाचल प्रदेश में हमारे यहाँ फल होता है, फ्रूट्स, ऑरेंज होते हैं, कीवी होते हैं, नाशपत्ती होते हैं, अनारस होते हैं, अलग अलग प्रकार का हमारा फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, हर्बल्स खाने पीने का हमारे यहाँ पैदा होते हैं, सबका प्रोसेसिंग के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए, इनकम जनरेशन महिलाओं के लिए, घर बैठे बैठे कमाने के लिए, बॉर्डर एरिया वाला अपना खाने पीने के लिए और यहाँ सप्लाई करने के लिए यूनिट बिठाने के लिए सारा प्लान तैयार करने के लिए ऑलरेडी मेरा तरफ से निर्देश दे दिया है। जो नया मंत्रालय मिलते ही उसका देश को सेवा करने के लिए और मेरा प्रदेश के लिए मैंने ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है। जो भी मिनिस्ट्री आज तक मुझे मिला है, मैंने देश को सेवा किया है, अपना प्रदेश को सेवा किया है। संक्षेप में मैं बताना चाहता हूँ, जब मैं MOS होम थे उस समय बॉर्डर एरिया का जो फंड्स है उसमें लगभग 100 टाइम्स हमने इम्प्रूव कराया। अभी बॉर्डर एरिया में मैक्सिमम जो छोटा छोटा जो स्कीम्स चल रहा है वो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट में हमारे समय में जो दिया है उसके वजह से काम हुआ है। NDRF का हेडक्वार्टर हमने अरुणाचल में लाया, इंडिया में दो सिर्फ NDRF का दो हेडक्वार्टर नया बनाया था, एक बनारसी मोदी जी का पार्लियामेंट लोकसभा क्षेत्र में और एक मेरे लोकसभा क्षेत्र में, दो हमने लाया। वो अभी करोड़ों का काम अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और कहीं भी कुछ भी नदी में, पहाड़ में कहीं भी कुछ गतिविधि होता है, एक्सीडेंट होता है, तो NDRF वाले तुरंत पहुंच जाते हैं, वो हमारे वजह से लाया है। 43 एडिशनल बॉर्डर आउटपोस्ट जो सेंक्शन किया हमारे समय में मोदी जी का आशीर्वाद से, वो अभी सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है बॉर्डर एरिया में। उसी प्रकार से फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट अरुण प्रभा, आज हमारा कई युवा सीरियल बना करके अरुण प्रभा चैनल से अपना प्रोग्राम दिखाते हैं, 1-2 रुपया भी मिलता है, स्लॉट्स मिलता है, ये मोदी जी का आशीर्वाद से अरुण प्रभा पहला सेपरेट चैनल अरुणाचल प्रदेश को दूरदर्शन के माध्यम से दिया है। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट जो अभी कंप्लीट होने वाले हैं, ये सिर्फ अरुणाचल के लिए नहीं, ये नेशनल सेंटर है। हमारे मंत्री बनने से पहले कोई सोच भी नहीं सकता है कि अरुणाचल प्रदेश में फिल्म टेलीविज़न इंस्टीट्यूट आएगा, और आज ये इंस्टीट्यूट बहुत सुंदर यहाँ जोते एरिया में बना करके अभी काफ़ी एडवांस स्टेज में है। उसी प्रकार से ITBP का नॉर्थ ईस्ट का फ्रंटियर हेडक्वार्टर को मैंने शिलोंग से शिफ्ट करके ईटानगर में लाया है। लिखावाली में एडिशनल सेक्टर हेडक्वार्टर DIG बैठने का खोला है। उसी प्रकार से बासर में, आलो में, मेचुका में, तकसिंग तरफ में, सरली तरफ, हुरी तरफ या वेस्ट कामिंग, ईस्ट कामिंग, हर जगह में
जो बॉर्डर आउटपोस्ट खोला है उसमें हमारा बॉर्डर फोर्सेस के लिए काफ़ी सुविधा क्रिएट किया है, वो अंत में जाकर के जनता को लाभ मिलेगा। इस तरह का कई कार्यक्रम मैं MOS होम रहते समय काम किए हैं। उसके बाद जब मैं मिनिस्टर यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स बना, उसके बाद आयुष मिनिस्टर बना। आयुष मिनिस्टर बनते ही मैंने पासीघाट का जो आयुर्वेदिक सेंटर को कॉलेज का दर्जा दिया। अभी अरुणाचल में हर्बल मेडिसिन के लिए फुल फ्लेज कॉलेज अरुणाचल में खोल दिया है, वो मेरे पास आयुष मंत्रालय जब थे। मेरा जब माइनॉरिटी अफेयर्स का पदभार मेरे पास में था 2 साल, तो माइनॉरिटी अफेयर्स से पूरे हमारे अरुणाचल में मल्टीपर्पस फैसिलिटेशन स्किल ट्रेनिंग सेंटर जो खोला है वो पिछली 60 ईयर्स में जो नहीं मिला लगभग 100 times, वो लिस्ट आप लोग कलेक्ट करके देख लीजिए कि कितने जगह में मल्टीपर्पस सेंटर्स, खास करके हमारे क्रिश्चियंस के नाम में, बुद्धिस्ट के नाम में, माइनॉरिटी जो कम्युनिटी के लिए ये सुविधा दिया गया है। उसके अलावा हमारे जब यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का पदभार संभालते ही अरुणाचल प्रदेश में टोटल 52 स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने दिया है। 60 ईयर्स में 5 फैसिलिटी नहीं मिला और हमने 5 साल के अंदर में 52 स्कीम्स दिया है। आज मल्टीपर्पस इंडोर स्टेडियम बनाया जा रहा है, आउटडोर स्टेडियम बनाया जा रहा है, अलग अलग स्पोर्ट्स सेंटर खोला जा रहा है। फर्स्ट टाइम अरुणाचल में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्पोर्ट्स का सेंटर खोला है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, और वहाँ से आज हमारा अरुणाचल के बच्चे और देश के लोग यहाँ ट्रेन करते हैं, बॉक्सिंग में, वुशू में, हमारे हॉकी में, और कई ज़्यादा स्पोर्ट्स में, आर्चरी में, और भी हम कोशिश कर रहे हैं लाने के लिए। आज हमारा अरुणाचल का जितना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है सब में ओपन जिम का पैसे दिया है, और आज वहाँ लोग अपना फिटनेस के लिए वहाँ जा कर के यूज़ करते हैं। इस प्रकार से मैं जब लॉ मिनिस्टर बना, अरुणाचल प्रदेश का जितना जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में वकीलों के लिए, जज के लिए, और हमारे जो क्लाइंट्स का रेस्ट करने के लिए सारे के सारे सुविधा क्रिएट करने के लिए 140 करोड़ हमने अरुणाचल में जुडिशरी का एक्स्ट्रा स्कीम, 2 साल हम लॉ मिनिस्टर रहा है इस देश का, सब सैंक्शन करके दिया है। ईटानगर में हमारा हाई कोर्ट परमानेंट बेंच के लिए अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी से बातचीत करके मैंने गुवाहाटी चीफ जस्टिस को यहाँ बुला करके ये सारा प्लान तैयार किया गया है। हमारे समय में गुवाहाटी हाई कोर्ट का जजेस का संख्या को 21 से हमने 30 बढ़ाया और 3 जज अरुणाचल के लिए रिजर्व रखा है। अभी से हमेशा गुवाहाटी हाईकोर्ट में अरुणाचल का 3 जज हमेशा रहेंगे। ये हिस्टोरिक डिसीजन हमारे समय में देखा गया है और आज हमारे अरुणाचल का 3 हाईकोर्ट जज बने हैं। ये सारे चीज़ बहुत मामूली नहीं होता है, बताने के लिए तो इतना समय लगेगा, मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। और अब मैं अर्थ साइंस का और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ का मंत्री होने के नाते मैंने फूड प्रोसेसिंग का तो आपको बता दिया कि इलेक्शन ख़त्म होते ही क्या क्या करना है, पूरा रोड मैप तैयार हो गया। अर्थ साइंसेस में भी अर्थ क्विक मेजरमेंट करने का हेडक्वार्टर दापोरिजो में, बमदिला में, और हमारे हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का पूरा कोई कोई इनाग्रेशन हो गया, कोई बना रहा है। डॉपलर स्टेशन, ये बारिश तूफान आंधी का जो मेजरमेंट करने के लिए, प्रेडिक्शन करने के लिए सारा जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसका नया हम फिर से हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में लगाने के लिए, और 3 डॉपलर वेदर रडार बड़ा जो एंटीना लगता है उसका 3 का ऑलरेडी सैंक्शन कर चुका है। तो जिस मंत्रालय में मैं बैठता हूँ वो मैं देश के लिए सेवा तो करता ही हूँ, लेकिन हमारा प्रदेश के लोगों के लिए अलग से मैं व्यवस्था करता हूँ। ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया, लेकिन आपका MP होने के नाते मुझे संतुष्ट है कि एक ज़माने में जब हम लोग पार्लियामेंट में जब अरुणाचल का MP दिखाई नहीं देता था, एक दिन आपका साथी सीनियर जो हमारे बीच में नहीं है, तारो चातुंग ने मुझे 2004 में पूछा था कि कभी अरुणाचल का MP भी दिल्ली में दिखाई देगा क्या।
आज वही एमपी अरुणाचल का आज सिर्फ दिखाई नहीं देता है बल्कि मोदी जी जी का साथ बैठ करके देश चलाता है। ये सब जनता का आशीर्वाद से संभव हुआ है। अगर जनता हमको आशीर्वाद नहीं देते, इतने हजारों लाखों लोग मुझे समर्थन नहीं करते, तो आज हम इस पोजीशन में कभी नहीं पहुंचते। इसलिए हम हाथ जोड़ जोड़ करके भीख मांगने का जो काम करते थे उस ज़माने में, मैं ओपोजिशन एमपी होकर के कितना हंगामा करते थे, लेकिन आज हमको भीख मांगने का जरूरत नहीं है। आज मोदी जी का आशीर्वाद से अरुणाचल को जो कुछ चाहिए आज मिल रहा है। अब इस इलेक्शन के बाद हम लोग युवाओं का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बॉर्डर एरिया में हम लोग बेसिक सुविधा क्रिएट करने के लिए रोड मैप, और महिलाओं के लिए स्पेशल एक हम लोगों का एक प्लान रहेगा, और एजुकेशन हेल्थ सेक्टर को एडिक्वेटली सपोर्ट करके सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए जो प्राथमिकता है, ये सारा रोड मैप कागज़ में भी और मेरे दिमाग में भी सब तैयार हो चुके हैं। कल हम नॉमिनेशन देने के बाद मैं पहले जैसे हर गांव हर जगह पहुंच नहीं पाऊंगा, क्योंकि जिम्मेदारी बढ़ गया और सब लोग मुझे जानते हैं। मैं हर गांव हर जगह, पहले जब मैं एमपी थे तो मैं गया हुआ हूं, सबसे मेरा मुलाकात हो करके समस्या के बारे में मुझे जानकारी है। मैं आपके माध्यम से हमारे अरुणाचल के लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि जितना आप सीनियर हो जाते हैं, जिम्मेदारी बढ़ जाता है तो उतना ही बिजी हो जाता है, लेकिन मेरे बिहाफ से आप गांव-गांव में अपील करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन कैसे दिलाना है वो अवेयरनेस हमारा बिहाफ से आप काम करना है। और जो मेरे साथ में जो बाकी ओपोजिशन पार्टी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपील भी करना चाहता हूँ कि हो सके तो हमारा साथ दीजिए, क्योंकि काम तो हमको ही करना है। मोदी जी का आशीर्वाद से दिल्ली में जो भी अरुणाचल के लिए व्यवस्था करना है वो हमको ही सोचना है। इसलिए सब समर्थन देंगे तो तालमेल में काम करेंगे तो अच्छा होगा। अंत में मैं महत्वपूर्ण अपील करना चाहता हूँ कि वोट जो है कोई धर्म के नाम से, जाति के नाम से, क्लैन के नाम से ये ना करें, ये बहुत डेंजरस है। लोकतंत्र में अगर धर्म को आप पॉलिटिक्स में डाल देंगे, जाति को पॉलिटिक्स में डालेंगे और क्लैन को आप पॉलिटिक्स में डालेंगे, तो आगे जा कर के समाज के लिए बहुत बड़ा दिक्कत खड़ा हो जाएगा। मुझे किसी ने बताया कि यहाँ अरुणाचल में अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम ने अपील किया है, बोलता है कि बीजेपी को वोट नहीं देने के लिए। अरुणाचल में जितना चर्च बनाने के लिए किरेन रिजिजू ने जितना मदद दिया, किसी ने नहीं दिया। पिछले 10 सालों में जितने भी हजारों, लगभग 20,000 से ज़्यादा FCRA बंद हुआ था, अलग अलग संगठन, सारे धर्म का, सोसाइटी का सब बंद हो गया। अरुणाचल का क्रिश्चियंस का जितने भी जो मेजर FCRA का जो भी केसेस सामने में आया, सबको हमने पर्सनली खोलने में मदद किया है। तो क्रिश्चियंस कम्युनिटी के लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए मैं चर्च में जाता हूँ, उनके कोई भी कागज आता है मैं मदद करता हूँ। तो ऐसा में अगर हमारे खिलाफ अगर अपील करेंगे, ये कितना गलत काम होगा आप सोच के देखिए। पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में जा रहा है, अमेरिका से लेकर के रशिया से लेकर के ऑस्ट्रेलिया, जापान, सब मोदी जी के नेतृत्व में तालमेल में काम कर रहे हैं। और यहाँ मोदी जी के खिलाफ अगर कोई धर्म के नाम से अगर वोट मांगेंगे तो ये कितना गलत होगा। इसलिए धर्म के नाम से कोई भी राजनीति में किसी का खिलाफ अपील ना करें तो ये हमारा समाज के लिए अच्छा होगा। भगवान ने, लॉर्ड जीसस ने, बुद्ध भगवान ने, या अल्लाह ने, या कोई भी हमारे जितना भी धर्म गुरु है, किसी ने कभी किसी के खिलाफ काम करने के लिए नहीं कहा है। सचमुच अगर आप रिलीजियस हैं तो किसी के खिलाफ आप सोच भी नहीं सकते हैं, काम भी नहीं करेगा। अगर आप दूसरा का बुरा चाहता है फिर आप धार्मिक नहीं है। इसलिए धर्म को राजनीति से नहीं जुड़ना है, लेकिन हम लोग सब हर धर्म को मदद करने के लिए हम लोग बैठा हुआ है। आपका समस्या है हमारे पास लेके आइए, हम मदद करेंगे, हम आपके प्रतिनिधि हैं, लेकिन खिलाफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे
समाज को बहुत बड़ा नुकसान होगा और भविष्य में बहुत बड़ा काला दाग लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना चाहिए। तो मैं अंत में फिर से जितने पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स हैं, खास करके कैंडिडेट्स को मेरे तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हम डेमोक्रेसी में फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है, उसमें सब हिस्सा लेकर के खुशी खुशी जनता का बीच में जा कर के हम वोट मांगना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया ये व्हाट्सएप में जो गलत मैसेज एक दूसरे को भेज के गाली करके ये सब बिल्कुल ना करें, इससे समाज को कोई फायदा नहीं होगा। तो हमारा वेस्टर्न पार्लियामेंट कैंपेन चेयरमैन अमंग फेलिक्स जी अभी वर्तमान में होम मिनिस्टर है, ताके तके जी वर्तमान में एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर मंत्री है। मैं दोनों के बारे में एक शब्द कहना चाहता हूँ। बीजेपी पार्टी ने दोनों सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर को कहा कि इस बार आप दोनों आराम कीजिए, चुनाव मत लड़िए और पार्टी के लिए काम कीजिए, और दोनों ने अभी सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर है लेकिन दोनों ने पार्टी का बात मान करके पार्टी के लिए काम करने के लिए आज मेरे दाएं बाएं बैठ करके लोगों के बीच में जा रहा है। ऐसा एग्जाम्पल मैं मानता हूं कि बहुत कम देखने को मिलता है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलता है कि सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर इलेक्शन छोड़ के बाकी को एमएलए बनाने के लिए काम कर रहा है। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है ऐसा डिसिप्लिन काम, ये सबको सीखना चाहिए, कोई और पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए दोनों ने इतना बड़ा समाज के लिए जो एक उदाहरण सेट किया है, एग्जाम्पल सेट किया है, उसके लिए मैं बामंग फेलिक्स जी और तागे तके जी को अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इसी प्रकार से हमारे और भी पार्टी का कई लोग सेक्रीफाइस किया है, अभी तो मैं पूरा नाम नहीं बोलूँगा, आप लोग नॉमिनेशन फाइल करके स्क्रूटनी के बाद जब विड्रॉल होगा आप लोग को पता चल जाएगा कितना बीजेपी का सीनियर अपने आप को पार्टी के लिए समर्पित करके सेक्रीफाइस करके पार्टी के लिए काम कर रहा है। आखिर तो देश सेवा करना है, किरण रिजिजू जो एमपी बनकर के या कोई एक पान गुमती तो नहीं बनाना है। मैं तो जिस दिन एमपी छोड़ूंगा गांव में जाके खेती करेगा, मुझे यहां बहुत ऑफर दिया है, गंगा बस्ती में आदमी मेडिकल के लिए हेल्प किया, मुझे एक ज़मीन भी दिया, अभी भी है, मैं एमपी है, एक ज़मीन अलॉटमेंट भी हुआ है यहां में, मैं ये सब दान दे के जा रहा हूं क्योंकि मुझे बिजनेस नहीं करना है। मेरे नाम पे कोई यहाँ कोई कॉन्टेक्ट करके अगर दो रुपया भी अगर मैंने कमाया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इसलिए हम लोग समाज सेवा के लिए आया है। मेरे ज़िंदगी में मैंने हजारों लाखों को सेवा किया है लेकिन हमने मैनेजमेंट करके गलत तरीके से पैसा बना करके नहीं, मेरे खाते में सिर्फ पैसा आता है मेरा तनख्वाह, मेरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मंत्री का जो दरमा है सैलरी है उसी से मेरा किचन चलता है और डोनेशन से मैं समाज को सेवा करता हूँ। करोड़ों रुपया मैं अपना समाज के लिए मेडिकल के लिए सोशल काम के लिए कल्चरल काम के लिए मैं सबको मदद करता हूँ। और पेमा खांडू जी ने सारे धर्म ग्रुप के लिए कॉर्पस फंड्स दिए हैं, फेलिक्स जी को अच्छे से मालूम है, चाहे वो बुद्धिस्ट का हो चाहे हिंदू का हो चाहे क्रिश्चियन हो, सबको कॉर्पस फंड्स दे करके पेमा खांडू जी ने मदद किया है। वैसे ही मैं भी हर धर्म के लोगों को अपने ओर से मैं योगदान देते रहता हूँ, ऐसा ही हम चलेंगे, सारे धर्म के लोग एक साथ हमारे लिए ज़रूर प्रेयर करने के लिए मैं अनुरोध करूँगा। और फिर इस चुनाव के बाद मैंने आज तक अरुणाचल के लिए जो काम किया है, अमेरिका में भी जा कर के हमने झंडा बुलंद किया है, मैं नॉर्थ पोल आर्कटिक तक जा कर के देश का सेवा किया है, मैं देश दुनिया घुमा हूँ, और देश में मैं कश्मीर जाता हूँ या बम्बई में जाता हूँ या चेन्नई जाता हूँ या दिल्ली में रहता हूँ, अरुणाचल का इज्जत का कभी भी मैंने डाउन होने नहीं दिया। मैंने ज़िंदगी में ऐसा एक गलत काम नहीं किया जिससे अरुणाचल का शर्म होना पड़ेगा, अरुणाचल के लोगों का सर झुकने के लिए मैंने एक सोशली मॉरली गलत काम नहीं किया है। मेरा अपना पर्सनल लाइफ अलग है मगर समाज के लिए मैंने कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, और आगे मेरा क्रेडिबिलिटी मेरे जीवन में कोई एक रुपया का दाग नहीं लगा सकता है और मैं ऐसा ही रहूंगा, कोई मुझे दाग नहीं लगा सकता है। अगर मुझे कोई झूठ बोल करके मेरा खिलाफ बदनाम करने के लिए न्यूज़पेपर लिखेगा आखिर ऊपर वाला उसको ही पनिशमेंट देता है, क्योंकि एक इनोशन आत्मा को अगर कोई छुएगा
उसका हाथ जलेगा, पाप उसी को मिलेगा। मैंने पाप सोचा नहीं है, पाप काम किया नहीं है। इसी प्रकार से आगे का काम मेरा बहुत साफ दिल से चलेगा। और जो मैंने पिछली 15 साल में मेरा टेन्योर में अरुणाचल प्रदेश को जो सेवा किया है, उसका डबल काम आगे होगा। और जो अभी नए नए बच्चे हैं, जो अभी 20 साल 25 साल हुए हैं, उनको मालूम नहीं होगा जब मैं एमपी नए नए बने थे उस समय अरुणाचल क्या हालत था। मैं चार चार तीन तीन महीने गांव में पैदल घूम के उसके बाद गाड़ी का शक्ल दिखता था, ऐसा तकलीफ हमने देखा है। आज हर एक गांव में गाड़ी रास्ता पहुंचाया है, बिजली पहुंचाया, पानी पहुंचाया, गैस पहुंचा रहा है, चावल खाने के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, बच्चों को खाना पहुंचा रहा है, बूढ़ा बूढ़ी का अकाउंट में पैसा डाल रहा है, हमारे किसान लोगों का अकाउंट में पैसा डाल रहा है, दवाई पहुंचा रहा है, हाईवे हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हाईवे पहुँच गया है, अभी बॉर्डर एरिया में हाईवे जा रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन अभी का जो नए नए बच्चे हैं उसको नहीं मालूम, लेकिन जिन्होंने देखा है आज से 15-20 साल पहले, उसको मालूम है हम लोग ने अरुणाचल को कहाँ से कहाँ तक लेके आया है। ये सिर्फ कहने से नहीं होता है, बोलने से नहीं होता है, ये करना पड़ता है। इलेक्शन मजाक नहीं है, इलेक्शन सीरियस है, समाज सेवा के लिए, भविष्य बनाने के लिए बहुत सीरियस है। अगर मैं आज बोलता हूँ कि मैं हाईवे बनाऊँगा तो मैं ज़रूर बना के दूँगा, क्योंकि आज जनता का समर्थन से मेरे पास एक ऐसा पोजिशन आया है जो मैं सेवा कर सकता हूँ। ये करते रहेंगे, फिर आपका जितना प्रेस मीडिया आया है मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज होली का त्यौहार है, छुट्टी का दिन होते हुए भी आप लोग आए हैं, होली का शुभकामनाएं देते हुए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। नहीं, कैंडिडेट चेंज तो पार्टी में होते रहता है, लेकिन नॉर्मली बहुत कम होता है ऐसा। मैं यहाँ इलेक्शन कमेटी का मीटिंग में मैं नहीं था जिस दिन प्राइम मिनिस्टर यहाँ ईटानगर आए थे, उसके बाद मैं भी तुरंत चले गए और अचानक सेंट्रल पार्टी ने बोला कि कैंडिडेट का लिस्ट भेज दीजिए, तो यहाँ चुनाव समिति का बैठक में मैं नहीं था। मैं अंडमान निकोबार में था, अंडमान से मैं जब दिल्ली पहुँचा तो लिस्ट लेके दिल्ली में आया। उस समय तेजू का बदंग तायंग का नाम में यहाँ से रिकमेंडेशन हुआ और उसमें एक यूनानिमसली उन्होंने कहा कि उसको टिकट देना चाहिए, लेकिन बाद में सेंट्रल कमेटी ने शायद उसका कुछ रिपोर्ट देखा होगा और वहाँ का समीकरण को देखा होगा, फिर हाई कमांड ने फिर कहा कि टिकट चेंज करना चाहिए। तो मैं टिकट प्रक्रिया में इतना बहुत एक्टिवली मैं रोल प्ले नहीं करता हूँ, वो पार्टी प्रेसिडेंट और मुख्यमंत्री जी देखते हैं, लेकिन जिसका चेंज हुआ मैं उसके लिए दुखी हूँ कि किसी का भी टिकट चेंज होगा तो हम लोग सबको फील करता है, ह्यूमिलेशन होता है, लेकिन जिसको टिकट मिला है वो भी अपना है, तालमेल करके काम करना चाहिए। मेरे लिए विपक्ष पक्ष सब अपना है, रूलिंग अपोजिशन बोल के नहीं है। लेकिन बीजेपी के अंदर में जो टिकट चेंज हुआ, मेरा तरफ से अपील रहेगा कि जिसके लिए जो टिकट चेंज हुआ और जिसका टिकट चेंज किया, दोनों इसको बहुत पर्सनल मत लीजिएगा। और क्योंकि हाईकमान का निर्देश था तो इसमें हम लोगों का इसमें बहुत रोल नहीं होता है, और वैसे भी मैं डायरेक्ट टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में मैं इतना इन्वॉल्व कभी भी नहीं होता हूँ। मैं जब से एमपी बना है, जब मैं नेशनल सेक्रेटरी था 2004 से 2009 तक पार्टी का मैं नेशनल सेक्रेटरी था, तब मैं बहुत इन्वॉल्व होता था। आजकल मैं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में मेरा इतना रोल नहीं होता है। मैंने अभी आपको बताया तो वो कैंडिडेट लिस्ट कैंडिडेट फाइनलाइज करने में मैं मीटिंग में ही नहीं था। मैं जब यहाँ कैंडिडेट का लिस्ट बनाने के लिए फाइनल कमिटी का मीटिंग हुआ था उसमें मैं था नहीं, मैं अंडमान में था और अचानक इमरजेंसी मीटिंग बुलाया तो मैं था भी नहीं उसमें। तो डेमोक्रेसी में जैसे कि मेरा खिलाफ कोई लड़ रहा है तो किरण रिजिजू जो बहुत अच्छा है बोल के तो फाइट नहीं करेगा ना, वो तो यही कहेंगे कि किरण रिजिजू ठीक नहीं है। डेमोक्रेसी में आपको अपोजिशन होना पड़ेगा ना, कम से कम 10% 15% तो अपोजिशन होता ही है। जैसे कि लास्ट इलेक्शन में आप लोग को शायद मालूम नहीं होगा, इन लोगों ने क्या किया, फेसबुक में 200-300 आदमी ग्रुप बनाया, वो फेक नाम भी होता है, वो उनका काम है मुझे गाली देना, लेकिन जमानत तो जब्त हुआ सबका, लेकिन फेसबुक में देखेंगे तो आपको वोट नहीं मिलेगा ऐसे ना, वोट तो जनता देता है। ऐसे सोशल मीडिया में गाली देने के लिए मैं भी चाहूँगा तो ऐसे बना सकता हूँ ना, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है ये सब करने के लिए।
अगर मैं अभी 500 यूथ को एंगेज करेंगे कि आप सिर्फ गाली देते रहो दूसरा को, तब तो गाली से भर जाएगा। ये सब मेरा पास कहाँ समय है फेसबुक में गाली देने के लिए। ऐसा नहीं होता है। अगर मैं यूनियन मिनिस्टर होकर के एक गांव को मैं अपना मेरा गांव है करके वही बैठते रहेंगे तो फिर आप देश सेवा नहीं कर पाएंगे। देश सेवा करना है तो सबको बराबर ट्रीट करना पड़ेगा। मेरे लिए कोई फेवरेट नहीं है, सब फेवरेट है। इसलिए ये सब छोटे छोटे जो लोग सोचते हैं ना कि आप मेरा गांव का है सारा एमपी फंड इसी गांव में दे दो, ऐसा नहीं होता है। सबको बराबर देना है। एक लाख देने से भी सबको बराबर देना चाहिए। नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, अभी प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेशन किया। मैं गया ना, मैंने उस दिन बता दिया लोगों को कि ये जो भी कॉन्ट्रैक्टर डिले करता है उसको बुला करके टाइम बाउंड करो, उसको पैसा देने वाला हम हैं, प्रोजेक्ट लाने वाला हम हैं, और कॉन्ट्रैक्टर अगर समय में ख़त्म नहीं करेगा तो कॉन्ट्रैक्टर को भी तो पकड़ना पड़ेगा ना। बिल्कुल, वो जो भी जिम्मेदारी ऑफिसर है जिसको भी वहाँ इंस्टीट्यूट संभालने के लिए रखा है उसको जिम्मेदारी दे करके काम करवाना है सब। ये विषय बहुत लंबा है, कोई भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ। काम एक आदमी नहीं करेगा। अब होम मिनिस्टर तो हर पुलिस बीट का तो वो नहीं दिखेगा ना, वो भरोसा करके एसपी होते हैं वहाँ में। एसपी के अंदर में फिर एसएचओ होता है, थाना होता है, फिर वहाँ गार्ड होता है। सबको परफॉर्म करना होता है, सबका ड्यूटी है, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ एक आदमी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है सबको। अभी जैसे पेपर लीक में जो पेपर लीक हुआ तो जो पब्लिक सर्विस कमीशन को तो गवर्नमेंट नहीं चला सकता है। अगर पब्लिक सर्विस कमीशन को भी गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा तो वो कैसे ऑटोनोमस हो जाएगा? तो ऑटोनोमस बना करके रखा है, ऑटोनोमस में ही चोरी करता है, वही पेपर बेचता है, तो कितना गलत बात है। तो एक्शन तो लेना पड़ेगा ना। जैसे एक आदमी गलत काम करता है फिर बाकी को बदनाम देता है। देखिए, नाबाम तुकी साहब बहुत अच्छा इंसान है और जेंटलमैन है। वो राजनीति में मेरे से पहले आए हैं। वो MLA 6 बार बन चुके हैं और लास्ट टाइम भी मेरे खिलाफ नाबाम तुकी जी ही कॉन्टेस्ट किए थे। लेकिन क्या है, तुकी साहब का टाइम जो है पार हो गया, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, 6 टाइम्स MLA रहे हैं, तो जितना करना था तुकी साहब ने कर लिया। अब कांग्रेस का युग इस देश में समाप्त हो चुके हैं। तो तुकी साहब तो मैं मिलने से उसको यही बोलेगा कि आपको पार्टी ने कॉन्टेस्ट करने दिया तो ठीक है, मगर आप अंदर से मुझे ब्लेसिंग दीजिए, क्योंकि काम तो मुझे ही करना है। कल को सगाली का काम हो या गांव में एक स्कूल बनाना है, बॉर्डर एरिया में कोई मेडिकल सेंटर बनाना है, तो मुझे ही करना है ना। ये तो तुकी साहब तो नहीं करेंगे। इसलिए तुकी साहब भी जानते हैं, वो चुनाव कांग्रेस पार्टी ने नाबाम तुकी साहब को मेरे खिलाफ में टिकट दे के लड़वा रहा है, लेकिन तुकी साहब खुद भी जानते हैं कि अरुणाचल का सेवा मुझे ही करना है। दिल्ली में बैठ करके हमको ही दौरा दौरी करना है। अरुणाचल के लोग दिल्ली में जाएंगे, कोई एक्सीडेंट होगा मुझे ही देखना है, कोई बीमार होगा मुझे ही इलाज करवाना है, वहाँ फेस्टिवल होगा, कुछ मीटिंग होगा, डेलीगेशन आएगा, एक्सकर्शन जाएगा, सबको मुझे ही देखना है। वो तुकी साहब भी मुझे अंदर से ब्लेसिंग दे रहा है। कॉन्फिडेंस का बात ही नहीं है, तुकी साहब खुद ही हमको ब्लेसिंग दे रहा है, तो मेरा कॉन्फिडेंस का इसमें सवाल कहाँ से आता है? नहीं, सॉल्यूशन ऐसा है, चकमा हाजोंग को उस जमाने में जब लेके आया था, कुछ लोग नेहरू के समय में आए थे, कुछ इंदिरा जी के समय में लाए थे 60s में, वो बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा हो गया। लेकिन हम लोग जब सरकार में आए 2004 में, तब तक तो चकमा संख्या इतना ज़्यादा हो गया। अब इंसान होने के नाते सबको गोली तो नहीं मार सकते हैं, सबको उठा के तो आप फेंक नहीं सकते हैं, उसको ह्यूमैनिटेरियन तरीके से बाहर ले जाना होगा। हम लोगों ने क्लियरली कहा कि पहले कांग्रेस समय में जो गलती हो गया, हम वापस नहीं जा सकते। हमारे समय में आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आपको सिटीजनशिप देंगे मगर अरुणाचल में नहीं देंगे, आप लोग अरुणाचल से बाहर जाने का व्यवस्था शुरू कर दीजिए। ये हम लोग ने क्लियरली चकमा लोगों को कन्वे कर चुके हैं। आप कभी भी मत सोचिए कि अरुणाचल में सिटीजनशिप मिलेगा। और जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया है CAA, उसमें कानून बना दिया है पार्लियामेंट ने
कि बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान से जो भी माइनॉरिटीज क्रिश्चियन हिंदू बुद्धिस्ट पारसी जैन जो भी इंडिया में आया है उसको सिटीजनशिप देगा, मगर वो 2014 से पहले जो भी आया है सिटीजनशिप देगा मगर अरुणाचल प्रदेश में नहीं। ट्राइबल स्टेट्स प्रोटेक्टेड स्टेट्स हमारा जैसे जो अरुणाचल ट्राइबल स्टेट है यहाँ अब कोई फॉरेनर यहाँ सिटीजनशिप नहीं मिलेगा, रेफ्यूजी को भी नहीं मिलेगा। वो कांग्रेस के समय में जो गलती किया वो तो हम वापस हिस्ट्री में तो जाके चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमारे समय में अब नहीं मिलेगा। और CAA में कानून पास हो गया, अब चकमा हाजों को अरुणाचल में उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। ऐसे इंडियन आ सकते हैं लेकिन सिटीजनशिप नहीं मिलेगा अरुणाचल में। वही तो बोल रहे डिपोर्टेशन करेंगे तो डिपोर्टेशन वहाँ साल हो गया कब होंगे, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना। अब यहाँ नहीं बैठेंगे तो कहीं तो जाना पड़ेगा उसको। आप चाहते हैं कि हम उसको गोली मार दें क्या? जब कहीं जाने के लिए जगह तो कहीं एक्सेप्ट तो होना पड़ेगा ना। देखिए कुछ चीज़ होता है ह्यूमैनिटेरियन प्रैक्टिकल सोचना चाहिए। मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, आप सोच के बताइए कैसे उठा के ले जाएगा इंसान को, कहीं जगह तो चाहिए ना उसको। आप बे ऑफ बंगाल में तो नहीं फेंक सकते ना, तो वो बाहर में एडजस्टमेंट का जगह ढूंढ रहा है, एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम लोग तो कह दिया अरुणाचल में आप टेम्प्ररी है, आप परमानेंट नहीं बैठ सकते हैं। जब तक आप बैठेंगे आप टेम्प्ररी है, आपको ना ST सर्टिफिकेट मिलेगा ना इंडियन सिटीजनशिप अरुणाचली हो के आपको मिलेगा, नहीं। वो क्लियर है, रूल बन चुका है, कानून बन चुका है। तो नॉन ट्रेवल लोग भी तो बैठता है, कोई 50 साल से बैठा हुआ है लेकिन अरुणाचली हो के तो नहीं बैठा ना। वो बैठेगा लेकिन अरुणाचली हो के नहीं बैठेगा। आप लोग एक चीज़ नहीं समझ रहे हैं, हर इंडियन का वोटिंग राइट कहीं भी है मिलेगा। अभी हमारा अरुणाचल में लगभग नॉन ट्राइबल वोटर्स अरुणाचल में लगभग 3 लाख है, लेकिन 3 लाख वोटर हो गया मतलब वो थोड़ी ना अरुणाचली ट्राइबल बन गया। तो कानून बन चुका है ना, सिटीजनशिप का जो कानून बना है उसको क्या कहते हैं, आप लोग पढ़ा होगा। 2014 से पहले जो भी माइनॉरिटीज वहाँ रिलीजियस प्रोसिक्यूशन करके जो भगाया उसको सिटीजनशिप दिया जाएगा मगर अरुणाचल में नहीं मिलेगा, ट्राइबल स्टेट में नहीं मिलेगा। रूल क्लियर हो गया ना, तो अरुणाचल तो खुले CAA को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि कानून बन चुका है कि अरुणाचल में अब कोई सरकार चाहने से भी किसी रेफ्यूजी को यहाँ नहीं बसा सकता है, उसको सिटीजनशिप अरुणाचल ही बनकर के नहीं मिलेगा। आज का दिन में मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास का जो हमारा मंत्र है उसमें सब इंक्लूड है। यहाँ आपस में 2 गुट अगर कुछ बोलेगा तो उसको ब्लेम मुझे क्यों देना है? आप ट्राइबल हैं, आप कोई भी धर्म मना सकते हैं, तो आपका राइट को तो मैं तो नहीं छीन सकता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो मैं तो बदल नहीं सकता हूँ। इसलिए जो आपस में बोला बोली होता है उसको लेकर के पॉलिटिकल कलर नहीं देना चाहिए। तवांग चर्च के बारे में मैंने तो पहले ही बोल दिया, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए वहाँ के लोकल लोगों के साथ बात करना चाहिए क्योंकि वो लैंड का इशू है, वो मेरा ज़मीन नहीं है। वहाँ के प्रशासन और वहाँ के लोकल लोगों के साथ बातचीत करके सोल्यूशन निकालना चाहिए। हर चीज़ आप MP को बोलेंगे ऐसा नहीं हो सकता है। हर आदमी हर एक का रोल होता है। यहाँ मैं जैसे कि एक बार पेमा खांडू साहब का खिलाफ मैं यहाँ मूवमेंट चलता है बल्कि बाहर में इतना फैला दिया, मेरे पास में 2-3 जर्नलिस्ट आए, वो बोला कि आप पेमा खांडू साहब के खिलाफ मैं काम कर रहा है, आप चीफ मिनिस्टर बनेगा क्या? मैं बोला कि मैं अरुणाचल स्टेट पॉलिटिक्स छोड़ दिया है। लोग हंसेगा कि यूनियन इतना सीनियर मिनिस्टर होते हुए भी यहाँ अंचल मेंबर ग्राम पंचायत जिला परिषद में हाथ डालता है बोलेगा, इसलिए मैं इसका टोटल लोकल पॉलिटिक्स को मैं छोड़ दिया, मैं सिर्फ पार्लियामेंट के लिए फाइट करूँगा, पेमा खांडू साहब को स्टेट चलाने दीजिए। मैंने ये बोला, किसी ने उसको बदमाशी करके कि किरण रिजिजू अरुणाचल को इंटरेस्ट नहीं है बोलता है, तो ऐसा बदमाशी होता है ना अरुणाचल में। तो इस तरह का चीज़ों को आप लोग ही तो सही करना चाहिए। मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि पंचायत इलेक्शन में हाथ नहीं डालेगा और वो दूसरा बोल रहा है कि वो अरुणाचल इंटरेस्ट नहीं है, तो ऐसा होता है। आदमी कुछ बोलने के लिए बोलेंगे। ACF को मैंने पहले अपील कर चुका है, धर्म के नाम से कभी भी अपील मत कीजिए और उसको आप पॉलिटिक्स में मत जोड़िए क्योंकि हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा और बाद में डाक लगेगा। जो आज धर्म के नाम से पॉलिटिक्स कर रहे ना उसी पे उसके धर्म के लोग बाद में ब्लेम करेगा कि इसके समय में पॉलिटिसाइजेशन किया गया है संगठन को। ACF नॉन पॉलिटिकल है,
इसलिए उसका हम लोग इज्जत देना चाहिए।